हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने गुरुवार को चकसा हुसैन में सड़क नालियों और जलभराव की समस्याओं को लेकर उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने बताया कि चकसा हुसैन क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपनगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। उपनगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्याओं का निस्तारण नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। इस मौके पर कमेटी के जिला महासचिव विजय श्रीवास्तव, सचिव विपुल त्रिपाठी सहित अन्य नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने बताया, अहमदनगर का विकास करो, विकास करो, विकास करो, अहमदनगर का विकास करो, विकास करो, विकास करो, विकास करो, विकास करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, अहमदनगर का विकास करो, विकास करो, विकास करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले अहमदनगर वार्ड नंबर 64 के जल भराव की समस्या आज दसियों वर्ष से है और हम लोग हमेशा ज्ञापन देते रहते हैं। इस वक्त अकबरी मस्जिद के सामने बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है और हम लोग कीचड़ पानी में जाते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने। मुख्यमंत्री का शहर है और हम लोग मुख्यमंत्री के पड़ोसी हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के पड़ोसी होने के नाते और मुख्यमंत्री कार्यालय से 300 मीटर की दूरी पे हम लोग रहते हैं भाई, हमारे धर्मगुरु लोग भी आए हैं साथ में। 20,000 की आबादी है अहमदनगर चकसा हुसैन की, जल निकासी की समस्या का हल कराइए जाए ताकि नमाज पढ़ने मस्जिद तक जा सके। और नूरी मस्जिद के सामने जो रोड है शाहिदाबाद, उसको भी तत्काल बनवाया जाइए। शाकिर अली सलमानी, संरक्षक हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर। आज अहमदनगर चकसा हुसैन वार्ड नंबर 64 अकबरी जामा मस्जिद के सामने जल भराव है, नूरी मस्जिद के सामने शाहिदाबाद रोड पे जल भराव है। मोहल्ले के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा नहीं पा रहे हैं, 10 वर्षों से ये मामला है। हम लोगों ने तमाम जगहों पर ज्ञापन दे दे के थक गए। अब हम लोगों ने आज नगर निगम घेरा है मेयर नगर आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए, हम लोग ज्ञापन दे भी चुके हैं। अहमदनगर चकसा हुसैन के जल भराव की समस्या का तत्काल निराकरण हो, रोड का नाली का निर्माण हो, अकबरी मस्जिद के सामने तत्काल रोड का निर्माण हो ताकि हम लोग मस्जिद जा सके। और अगर जो हमारी बात नहीं सुनी गई तो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय पे पहुंचेंगे हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले। आश्वासन मिला है इस समय नगर आयुक्त के, उप नगर आयुक्त को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम लोग पहुंचेंगे, दौरा करेंगे, नगर आयुक्त भी पहुंचेंगे, काम होगा आपका। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं अगर जो एक हफ्ते के अंदर अकबरी मस्जिद, अहमदनगर, नूरी मस्जिद के पास काम नहीं शुरू होता, रोड नाली का निर्माण नहीं शुरू होता, तो माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे।